हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 32 से इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 या फिर उससे पहले का जितने भी क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए हुए हैं आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है और इससे पहले दो वीडियो इस चैप्टर का आ चुका है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन नंबर 43 तक 44 तक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना समय को बर्बाद किए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस ए पर्सन हु इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक ट्रेन की बात हो रही है और एक पर्सन का बात हो रहा है। तो फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द पर्सन बाय ट्रेन, तो वो ट्रेन पर्सन को कब क्रॉस करेगा, कितने समय में क्रॉस करेगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का अगर आपको कंसेप्ट कुछ याद हो तो फिजिक्स में हम लोग एक कंसेप्ट यूज़ करते थे कि जैसे कि दो चीज़ रहता है, ये ट्रेन रहे या फिर कोई और चीज़ रहे, या फिर ए बी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ए बी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ सीखे थे कि स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हम लोग फिजिक्स में इस प्रकार का स्पीड वगैरह निकाल देते हैं। 11th 12th में आपने देखा होगा, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि ए आपका अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है और बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए क्या करते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए दोनों का स्पीड को जोड़ दिया करते थे, मतलब बी ए प्लस बी बी। अगर ए का डायरेक्शन इधर होता था और बी का डायरेक्शन इधर होता था, इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए क्या करते थे, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करते थे। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए, चूंकि मैथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी उतना ये सब जानने का जरूरत नहीं है अगर आपको ध्यान में नहीं है, तो बस इतना जान लीजिए कि अगर नेट स्पीड निकालना है, नेट वेलोसिटी निकालना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो ऐड करते हैं और अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए अगर समझ में नहीं आया या फिर डाउट वगैरह है तो क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि एक ट्रेन है और एक पर्सन है और दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से। यानी कि अगर ट्रेन इधर मूव कर रहा है तो पर्सन इधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर नेट स्पीड निकालेंगे, क्या बताया आपको, नेट स्पीड डायरेक्ट बोलेंगे नेट स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी उतना नहीं बोलने जाएंगे, उतना आपको जानने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेट स्पीड क्या हो जाएगा, तो क्या बताएं कि अपोजिट अगर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 25 प्लस 5 कर देंगे तो नेट कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो अगर डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कितना कवर करना है टोटल, तो ट्रेन का लंबाई 150 मीटर है और पर्सन रहता था, पर्सन रहे या फिर पोल वगैरह रहे, इन सब का जो दूरी होता है, जो लेंथ होता है, वो हम लोग जीरो ही मान के चलते हैं। यानी कि नेट डिस्टेंस जो कवर करना है वो 150 मीटर ही कवर करना है, ठीक है। कितना समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस होने में, अगर यहाँ पे ये निकालना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस कितना है, 150 कवर करना है, दोनों का मिला के स्पीड कितना है, नेट स्पीड तो 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 30 गुना टी कर देंगे। यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा, तो टाइम बराबर 150/30, ये जीरो खत्म, 3 × 5 = 15, यानी कि कुल समय कितना लग जाएगा, तो कुल समय 5 सेकेंड लग जाएगा। 5 सेकेंड कौन सा रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। यहाँ पे 110 मीटर लंबा ट्रेन है और 58 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है और इन द सेम डायरेक्शन ए पर्सन, अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एक पर्सन मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे नेट स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे,
तो 58 में से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन देखिए क्या है, सेम है, यानी कि अगर ट्रेन इधर मूव कर रहा है तो पर्सन भी इधर मूव कर रहा है। अगर डायरेक्शन सेम रहे तो नेट स्पीड निकालने के लिए माइनस कर देते हैं। 58 में 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चूँकि यहाँ देखिए समय जो निकालना है वो सेकेंड में निकालना है, ठीक है, अगर समय को सेकंड में निकालना है और यहाँ पे स्पीड हम लोग देख रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर में आ गया है, तो इनका हम लोग यूनिट चेंज कर देंगे, किस में लेके चले जाएंगे, तो मीटर पर सेकंड में लेके चले जाएंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ट्रेन का लंबाई भी यहाँ पे 110 मीटर दे रखा है, तो यूनिट सबका सेम होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो शॉर्ट तरीका आपको बताया हुआ है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकंड में चला जाएगा, 18 से ये 3 बार में कट जाएगा, 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, नेट स्पीड आ गया। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है टोटल, अगर नेट डिस्टेंस देखें तो 110 मीटर यहाँ पे ट्रेन की लंबाई है और पर्सन का 0 लेके चलते हैं तो नेट डिस्टेंस आपका यही हो गया। चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस कितना है 110, स्पीड कितना आ गया है 15 गुना टी कर देंगे, यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा, तो टाइम बराबर 110/15 कर देंगे। 5 से देखें तो ये 3 बार में चला जाएगा, 5 × 5 = 10, 5 × 10 यानी कि 22/3 हो गया, और इनको थोड़ा मिक्स में लेके जाएंगे तो 7/1/3 सेकंड, 7/1/3 सेकंड कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, दो ट्रेन है, एक का लंबाई 126 मीटर है तो दूसरे का 114 मीटर है, स्पीड की अगर बात करें तो एक का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का 42 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ट्रेन वन अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ट्रेन दूसरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। इन व्हाट टाइम दिस टू ट्रेन्स क्रॉस इच अदर, तो कितने समय में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी ये बताना है। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, नेट स्पीड निकाल लेना है, नेट स्पीड कितना हो जाएगा दोनों का मिला के देख लेंगे, यहाँ पे एक का 30 है दूसरे का 42 है, यानी कि 30 + 42 कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 × 4 = 7 = 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखें, लेंथ देखें ट्रेन का, तो वो मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे इनको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 72 यानी कि 5 × 20 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका नेट स्पीड। चलिए ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे दोनों ट्रेन ही हैं जिसका कि 126 एक का दे रखा है और दूसरे का 114 दे रखा है, तो यहाँ पे पर्सन नहीं है, जो कि पर्सन के केस में 0 लेते थे, यहाँ पे 0 नहीं होगा, दोनों का एड होके कुल डिस्टेंस होगा, नेट डिस्टेंस होगा। चलिए 6 × 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा और 1 × 1 = 2 हो जाएगा, यानी कि 230 मीटर नेट डिस्टेंस आ गया। अब 230 मीटर नेट डिस्टेंस है और नेट स्पीड कितना है दोनों का मिला के, तो 20 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो 230 डिस्टेंस कवर करना है और टाइम कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड है। चलिए 0 0 ख़त्म हो गया, यहाँ से 2 से कटने वाला, अरे भाई कहाँ मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 240 हो जाएगा, ठीक है, ऐड करने में। चलिए यहाँ पे 240 कीजिए, यहाँ से 2 से 12 बार में चला जाएगा, यानी कितना समय लग जाएगा, तो आपको समय 12 सेकंड लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ क्या बोल रहा है, दो ट्रेन है पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है, एक का लंबाई 200 है तो दूसरे का 150 मीटर दे रखा है, एक का स्पीड 40 है तो दूसरे का 45 किलोमीटर पर आवर है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे समय ही निकालना है कि कितने देर में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। चलिए नेट स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे, तो नेट स्पीड कितना आ जाएगा, नेट स्पीड निकालने के लिए क्या बताए हुए हैं कि अगर डायरेक्शन सेम रहे तो माइनस करना है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए इसको चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5 × 5/18 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 × 25/18 मीटर पर सेकंड। चलिए ठीक है, इसको इसी में रहने देते हैं। अब थोड़ा डिस्टेंस देख लेते हैं, नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
तो कुल नेट डिस्टेंस देखें तो एक का लंबाई 200 है प्लस दूसरे का 150 है, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 350 मीटर हो जाएगा नेट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, स्पीड गुना टाइम कर देंगे। डिस्टेंस कितना कवर करना है तो 350 मीटर कवर करना है, स्पीड कितना है तो 25/18 है, गुना टाइम कर देंगे। 25 से ये पूरा कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 25 से, तो हम डायरेक्ट थोड़ा लिख देते हैं, 25 × 4 = 100 हो गया, 4 × 3 = 12, 14 बार में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 × 18 आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा कितना होता है, तो 8 × 4 = 32, 4 × 3 = 7 हो गया, 8 × 1 = 2, 8 × 7 = 15, 1 × 1 = 2, यानी कि 252 सेकेंड। 252 सेकेंड कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, तो दो ट्रेन है यहाँ पे और दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट में चल रहा है। ठीक है, एक का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है तो वही दूसरे का 45 किलोमीटर पर आवर है। फास्टर ट्रेन जो कम स्पीड से चल रहा है उस वाले ट्रेन में एक बंदा बैठा है और उस बंदे को 8 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ पे फास्ट मूविंग ट्रेन का लंबाई को बताना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे नेट स्पीड निकाल लीजिए, तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा, एक का 36 है दूसरे का 45 है और दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी विपरीत डायरेक्शन में रहे तो क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इनको लेके चलते हैं मीटर पर सेकंड में, क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से देखिए ये 9 बार में कटेगा, 9 से ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 9 × 5 = 45/2 मीटर/सेकंड हो गया, ये तो स्पीड आ गया। अब क्या दे रखा है, तो यहाँ पे जो एक बंदा बैठा है उसका उसको क्रॉस कर रहा है 8 सेकंड में, यानी कि टाइम दे रखा है कितना, तो 8 सेकंड, और जो फास्ट मूविंग ट्रेन है उसका ही लेंथ निकालना है। चलिए टाइम दिया हुआ है, नेट स्पीड निकाल लिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना है तो 45/2, गुना टाइम कितना है तो टाइम 8 सेकंड है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 बार में ये कट जाएगा। चलिए 45 × 4 कितना होता है, तो 180, यह है क्या, तो डिस्टेंस दूरी निकाल रहे हैं तो ये मीटर में हम लोग निकाल लिए हैं, 180 मीटर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 ये क्या बोल रहा है, दो ट्रेन है आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रहा है और एक का स्पीड 65 है तो वही दूसरे का 45 है। जो फास्ट मूविंग ट्रेन है वो क्रॉस करता है एक पर्सन को जो कि स्लो मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है, उस पर्सन को 18 सेकंड में क्रॉस करता है, तो लेंथ बताना है फास्ट मूविंग ट्रेन का। चलिए ठीक है, यहाँ पे नेट स्पीड कितना हो जाएगा, अगर नेट स्पीड निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन देखिए सेम है, अगर डायरेक्शन सेम रहे तो नेट स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, यानी कि 65 में से 45 को माइनस करेंगे, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा नेट स्पीड। चूँकि किलोमीटर पर आवर में है तो इनको लेके जाएंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कटने वाला नहीं है तो नहीं कटाते हैं, 20×5 = 100, यानी कि 100/18 मीटर/सेकंड। वैसे 2 से यहाँ पे कटता लेकिन ठीक है, देख लेंगे आगे ज़रूरत पड़ेगा तो कटाएंगे। चलिए कितने सेकंड में क्रॉस करता है, तो टाइम यहाँ पे दे रखा है कि 18 सेकंड में क्रॉस करता है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना निकाल लिए, तो 100/18 निकाल लिए। टाइम कितना है, तो 18 सेकंड है, ये 18 कट गया। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया, तो 100 मीटर डिस्टेंस आ गया, और यही 100 मीटर क्या हो जाएगा, तो ट्रेन का लंबाई हो जाएगा, फास्ट मूविंग ट्रेन का यही लंबाई हो जाएगा। 100 मीटर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन आपका ए दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 ये क्या दे रखा है, आफ्टर इंक्रीजिंग द नॉर्मल स्पीड ऑफ ए पैसेंजर कार बाय 5 km/h इट टेक्स 2 hours लेस टू कवर द 300 km, फाइंड इट्स नॉर्मल स्पीड। देखिए मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, इनके बीच का दूरी कितना है, तो 300 किलोमीटर है। ठीक है,
जब ये नॉर्मल स्पीड से चलता है जो कि निकालना है, तो उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स किलोमीटर पर आवर क्या इनका नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। अब जब ये अपना स्पीड बढ़ाता है कितना से, तो 5 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो ए से बी तक जाने में जब इनका स्पीड एक्स प्लस 5 हो जाता है तो 2 घंटा कम समय लेता है, किससे, जब वही कार एक्स किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, डिस्टेंस दे रखा है ए बी, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या है, स्पीड गुना टाइम है। एक काम करते हैं, टी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, डी बाय एस करेंगे ना, ठीक है। तो एक्स मान के एक बार समय निकाल लेते हैं हम लोग कि जब स्पीड एक्स रहता है तब कितना समय लग रहा है, और दूसरे बार में जब स्पीड एक्स प्लस 5 हो जाएगा तब कितना समय लगेगा, थोड़ा वो निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखें, केस वन कर देते हैं यहाँ पे, और इसको टी ए कर देते हैं, ठीक है, या फिर टी एक्स कर देते हैं। जब स्पीड एक्स है, जब स्पीड एक्स है तब कितना समय लगेगा, चलिए टी एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस कुल 300 ही कवर करना है और स्पीड कितना है एक्स है, यानी कि जब एक्स की चाल से चलेगा तो 300 बाय एक्स समय लगने वाला है, ठीक है। केस टू में देखिए, जब स्पीड कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, तब कितना समय लगेगा, तो 300 बाय स्पीड कितना है, तो एक्स प्लस 5 है, तो ये वाला समय लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि जब वो अपना चाल 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है तब इनको 2 घंटे कम समय लगता है, कितना कम समय लगता है, 2 घंटे कम समय लगता है, यानी कि ये वाला जो समय है, ये वाला जो समय है 300 बाय एक्स, और यहाँ पे जो ये वाला जो समय है, ठीक है, अगर माइनस कर देंगे 300 बाय एक्स प्लस 5, तो कितना का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है, यानी कि कितना का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा जब माइनस कर देंगे। तो ये वाला समय माइनस ये वाला समय बराबर कितना अंतर हो गया, तो 2 आवर का अंतर हो गया। यही इक्वेशन यहाँ पे बनाना था, चलिए ठीक है। अब थोड़ा इनको सोल्व करना होगा, इक्वेशन को सोल्व करना होगा, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए एक तो आप ऑप्शन का भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन को रख के चेक कर लीजिए किस ऑप्शन से LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और बाकी अगर ऑप्शन से समझ में ना आए तब जो इनका बेसिक प्रोसेस होता है सोल्व करने का, वहाँ से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से करने जाएंगे तो जल्दी थोड़ा हो जाता है। चलिए ऑप्शन से अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए एक काम कीजिए, एक एक करके चेक करना होगा। एक बार 50 रखिए, एक बार 20 रखिए, एक बार 25 रखिए, एक बार 30 रखिए। अगर 25 को रखिएगा तो 25 से काम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स को 25 रख दिए, तो 300 बाय क्या करेंगे, 25 माइनस इधर कितना हो जाएगा, 300 बाय 25 प्लस 30 कितना हो गया, 25 प्लस 5 30 हो गया। चलिए 25 से ये पूरा कट जाएगा कितना बार में, तो 12 बार में, माइनस 30 से ये कितना बार में कट जाएगा, तो 10 बार में कट जाएगा। यानी LHS में कितना आ गया, 12 माइनस 10, और यही कितना होता है, 2 होता है। देखो RHS साइड कितना है, 2 दे रखा है ना, ये दोनों बराबर हो गया ना। यानी कि जो यहाँ पे नॉर्मल स्पीड हम लोग एक्स माने थे, तो नॉर्मल स्पीड कितना हो जाएगा, तो 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये तो ऑप्शन की मदद से बनाया, किसी का होगा कि नहीं हम बेसिक प्रोसेस से अगर बनाने जाएंगे तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो बेसिक प्रोसेस से भी कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, तो 300 बाय एक्स प्लस 5 बराबर कितना है, तो 2 है। एक काम कीजिए 300 क्या करते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 बराबर 2 हो गया। चलिए 2 से ये पूरा कट जाएगा, 150 बार में इधर 1 बच गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे LCM लेंगे नीचे में कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्स प्लस 5 हो जाएगा, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बराबर इधर 1 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये ख़त्म हो गया क्योंकि एक्स माइनस एक्स है। चलिए 150 को उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा, 150 से पहले क्या करते हैं, ये वाला नीचे में देखिए बराबर की उस साइड जाएगा, तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इधर क्या बचेगा, तो इधर 150 आगे में है और ब्रैकेट के अंदर में 5 बचा, बराबर ये वाला को उधर लेके जाइए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 150 गुना 5 है, इधर तोड़ेंगे तो एक्स पर स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो 50, 15 गुना 5 75, यानी कि 750 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इनको सोल्व करना होगा, सोल्व करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने तो आता ही होगा यार, ऐसा नहीं है। चलिए एक्स पर स्क्वायर प्लस, इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 30x माइनस 5 25x लिख सकते हैं क्या, माइनस इधर कितना है 75 है, 30 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे जो 25 दिया 75, 750 हो जा रहा है, यानी कि सही है। चलिए पहले वाले में x कॉमन लीजिए तो x प्लस कितना हो जाएगा 30, माइनस यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, तो x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, तो अरे यार चलिए, एक तरफ आपका x प्लस 30 आ गया और फिर क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस 30, x प्लस 30 इसको कॉमन लिए तो पहले वाले में x बचा, यहाँ पे x माइनस क्या होगा 25 बराबर 0। एक बार इसको जीरो कीजिए, एक बार इसको जीरो कीजिए, जब पहले वाले को जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस 30, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरे बार में x माइनस 25 बराबर 0 है तो यहाँ से कितना आ गया x बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, लेकिन देखिए यह प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि वहाँ तक ले जाके ऑप्शन से ही इसको बना लीजिए तो सही रहेगा। चारों ऑप्शन चेक करके रखना होगा और क्या, एक एक करके रखते जाइए, जिसमें आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को करते हैं और इनको ऑप्शन के मदद से ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 39, एक एरोप्लेन है उनको 1500 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन ये 30 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि डिले हो गया 30 मिनट से फिक्स टाइम से, है ना, जितना समय में इनको निकलना चाहिए, तो अपने टारगेट पे समय पे पहुंचने के लिए इनको अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ा। कितना से इंक्रीज करा, तो 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करा, तो एक्चुअल स्पीड एरोप्लेन का बताना है। ठीक है, चलिए देखिए कितना है, तो 150 नहीं 1500 किलोमीटर तय करना है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड कुछ मान लीजिए, नहीं पता है ना, एक्चुअल स्पीड क्या मान लेंगे, तो एक्चुअल स्पीड एक्स मान लीजिए। जब ये एक्स की स्पीड से चलेगा तब इनको समय कितना लगेगा, तो डिस्टेंस 1500 कवर करना है और स्पीड कितना है एक्स, यानी 1500 बाय एक्स लग जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ा दे रहा है कितना से, 250 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि पहले अगर एक्स था तो अब स्पीड कितना हो गया, एक्स प्लस 250 हो गया। जब ये स्पीड हो जाएगा तब कितना समय लगेगा, तो 1500 बाय स्पीड कितना है, तो एक्स प्लस 250 है, ये समय अब लगने वाला है। ठीक है, जब x के स्पीड से चल रहा था तो उतने समय पे ही ये अगर B पॉइंट है तो इनको ये बोल देते हैं, उतने समय पे ही B पॉइंट पे पहुंचेगा। यहाँ पे इनको स्पीड बढ़ाना पड़ा, क्यों बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये 30 मिनट पहले ही लेट हो चुका था, तो ये अभी उतना समय पे ही B पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी कि इन दोनों समय में कितने का अंतर है, तो 30 मिनट का अंतर है। चूँकि ये वाला जब x के रफ्तार से चलता है वो, तो वो जितना समय है उनका निकलने का एरोप्लेन का, उतने बजे ही निकलता है वो अपना अपने वहाँ से। ठीक है, लेकिन चूंकि 30 मिनट लेट हो चुका था तो उनको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ा समय पे पहुँचने के लिए, यानी कि यहाँ पे कुल जो समय का डिफरेंस है वो 30 मिनट का अंतर दे रखा है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, 1500 बाय एक्स माइनस 1500 बाय एक्स प्लस क्या कर देंगे, 250 बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि ये मिनट में दे रखा है तो इनको आवर में लेके जाना होगा, तो 30 बाय 60 कर देंगे। ठीक है, चलिए ये जीरो ख़त्म हो गया, कितना आ गया, तो 1500 बाय एक्स माइनस इधर कितना हो गया, 1500 बाय एक्स प्लस 250 बराबर इधर कितना हो गया, तो 1 बाय
टू हो गया, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, 1500 को कॉमन ले ले क्या? नहीं, चलिए ऑप्शन से चेक करना होगा एक बार, ऑप्शन से इसको चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन से ये सोल्व हो रहा है ना। LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं, या थोड़ा लॉजिक वगैरह भी लगाइएगा तो काम हो जाएगा, है ना। एक एक करके देखना भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाना होगा इसमें। क्या लॉजिक लगाएंगे? देखना है कि 1500 किससे कट जाता है, वही वाला लेंगे। तो देखिए 750 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 665 लेंगे तो क्या कटेगा? क्या 665 लेंगे तो क्या कटेगा? तो नहीं कटना चाहिए। चलिए हम 750 यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। 1500 बाय क्या कर देंगे, 750 माइनस 1500 बाय 750 प्लस 250 कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये दो जीरो ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये पूरा दो बार में चला गया, यानी कि इधर कितना हो गया 2 माइनस, इधर देखा तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी कितना हो गया 3/2। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 2 × 2 = 4, माइनस 3/2, यानी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और देखिए RHS साइड में कितना दे रखा है, तो RHS साइड में भी 1/2 दे रखा है, यानी कि ये RHS साइड के बराबर हो गया। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे स्पीड 750 लेकर चले हैं ये सही है। तो x कितना हो जाएगा, 750 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही इनका एक्चुअल स्पीड था और यही इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन वगैरह चेक करके देख लेना है। बाकी यार इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाने जाएंगे ना तो थोड़ा समय लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी दे रखा है 300 किलोमीटर है, ठीक है। देयर इज वन ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एट 6 AM। अच्छा, पहला ट्रेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहला ट्रेन चलना स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, स्टेशन ए से बी की तरफ, कितना बजे, 6 AM में स्टार्ट होता है। और इनका स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। वही दूसरा ट्रेन की बात करें तो वो बी से ए की तरफ आता है और इनका स्पीड कितना है, तो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एट सेम टाइम, यानी कि ये जिस समय में स्टार्ट होता है पहले ट्रेन, दूसरे ट्रेन भी उसी समय में चलना स्टार्ट करता है। तो एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर। अरे दो पॉइंट ले लो ना, ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, एक ए से बी की तरफ जा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा बी से ए की तरफ आ रहा है, ठीक है। कुल डिस्टेंस 300 ही दोनों को कवर करना है। पहले का स्पीड कितना है, तो 60 है, और दूसरे का स्पीड कितना है, तो 40 है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है ना दोनों का, तो यहाँ पर नेट स्पीड कितना हो जाएगा, नेट स्पीड अगर देख लेंगे तो 60 प्लस 40 कर देंगे ना, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर कुल कवर करना है, 300 किलोमीटर, किलोमीटर ही है ना, या मीटर है, किलोमीटर ही है। चलिए कितना समय लग जाएगा, तो समय अगर निकालना है तो टी के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस कितना है, 300 कवर करना है, और स्पीड कितना है, तो 100 है, यानी कि 0 0 ख़त्म। तो समय 3 आवर लग जाएगा पूरे 300 किलोमीटर कवर करने में दोनों ट्रेन का मिला के, ठीक है। कितना बजे ट्रेन स्टार्ट हुआ था, तो ट्रेन 6 AM में स्टार्ट हुआ था और 3 घंटा समय लग रहा है कवर होने में, यानी कि 6 में से 3 को जोड़ देंगे तो 9 AM में 9 बजे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में बताना था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। दो स्टेशन है, इनके बीच का दूरी 400 किलोमीटर है। एक ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है ए से बी की तरफ, 6 AM में स्टार्ट हुआ है। वही दूसरा ट्रेन बी से ए की तरफ चलता है 45 किलोमीटर पर आवर से, और ये भी 6 बजे ही स्टार्ट हुआ है। तो कितने समय में ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ये बताना है। देखिए ये ए पॉइंट हुआ और ये आपका बी पॉइंट हुआ, एक ए से बी की तरफ जा रहा है, दूसरा बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। कुल दूरी कितना है, तो 400 किलोमीटर है। एक का स्पीड 35 है, तो वही दूसरे का कितना है, 45 है, यानी कि यहाँ पे अगर नेट स्पीड निकाल लेंगे तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को, 45 प्लस क्या कर देंगे, 35 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 5 50 30 80,
सही कर रहे हैं ना, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर हो गया इनका नेट स्पीड। ठीक है, कितना दूरी तय करना है तो 400 किलोमीटर तय करना है। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे या डायरेक्ट 400 में क्या कर देंगे, 80 कर देंगे, 0 0 ख़त्म हो गया, 8 से कटेगा क्या, 8 5 40, यानी कि कितना समय लग जाएगा, कुल 5 आवर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट 1 किलोमीटर दूसरा आवर में था, तो समय जो निकला वो आवर में निकला। कितना बजे स्टार्ट हुआ है, तो ये चलना आपका 6 बजे स्टार्ट हुआ था, तो कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो 6 + 5 कर देंगे, यानी 6 5 11 11 बजे ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा। 11 कौन सा दे रखा है, तो 11, अरे यार 11 कोई नहीं दे रखा है, 6 बजे ही ना स्टार्ट हुआ है, हाँ 6 बजे स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन शायद लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो एक को क्या कर दो, 11 कर दो। ठीक है, ऑप्शन बी को यहाँ पे हम 11 कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, तो यहाँ भी 2 स्टेशन का दूरी दे रखा है 110 किलोमीटर। एक ट्रेन आपका 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ए से बी की तरफ चलना स्टार्ट करता है 7 बजे, दूसरा ट्रेन बी से ए की तरफ चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और यह स्टार्ट होता है 8 बजे, तो एट वाट टाइम द टू ट्रेन विल क्रॉस इच अदर, तो कितने बजे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस होगा ये बताना है। देखो ए से बी की तरफ चल रहा है ना, ए से बी की तरफ चल रहा है, ठीक है, कितना दूरी कुल है, तो ये पूरा दूरी 110 मीटर दे रखा है, चलिए ठीक है, लेकिन पहला ट्रेन 7 बजे स्टार्ट होता है और दूसरा ट्रेन कितने बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक कम करना होगा इस क्वेश्चन में, दोनों का जो स्टार्ट होने का समय है वो बराबर करना होगा, दोनों का स्टार्ट होने का समय बराबर करने के बाद देखेंगे कि उन दोनों के बीच में कुल कितना डिस्टेंस का गैप है, यानी कि जो बी से ए की तरफ चल रहा है वो कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, तो वो 8 AM में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ए से जो बी की तरफ चल रहा है ना ये 7 AM में ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों का जो स्टार्ट होने का टाइम है वो बराबर करते हैं, देख लेते हैं कि जो ए से बी की तरफ चल रहा है वो 1 घंटे में कितना दूरी का करता है, 7 से 8 इनको भी पहुँचा देंगे, फिर यहाँ से देख लेंगे ये वाला डिस्टेंस कितना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगा वो यहाँ पे बताना है, कितने समय पे क्रॉस करेगा, है ना, तो उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कब लेंगे, जब उन दोनों का स्टार्ट होने का समय सेम रहे, यहाँ पे दोनों का स्टार्ट होने का समय अलग अलग दे रखा है। चलिए पहले वाले ट्रेन की बात करें, अगर जो ए से बी की तरफ चल रहा है उनका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि प्रत्येक आवर में 20 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर समय 1 घंटा लेके दे गए तो ये कितना दूरी तय करेगा, तो स्पीड गुना टाइम कर देंगे, यानी 20 × 1, यानी कि ये 20 किलोमीटर तय करेगा 1 घंटा में। ठीक है, चलिए ए से बी तक का दूरी कितना है, तो 110 किलोमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ए से जो चलना स्टार्ट किया वो 1 घंटा में, चलिए ये 8 बजे वाला आपका समय है, ठीक है, यहाँ भी 8 AM हो गया, और उसी समय में बी से जो चलना है दूसरा ट्रेन वो भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 8 बजे तक पहला ट्रेन जो ए से चल रहा है वो कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। अब अगर यहाँ से ये वाला दूरी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये वाला दूरी अगर देखें पूरा दूरी कितना है, 110 है, जिसमें कि ये वाला 20 हो गया, तो 110 में से 20 को माइनस करेंगे, यानी ये वाला दूरी कितना है, तो ये वाला दूरी 90 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस लेना है जब दोनों का स्टार्टिंग समय सेम हो जाए, समझे कि नहीं, चलिए अब उन दोनों को मिला के कुल दूरी कितना तय करना है, तो 90 किलोमीटर ही तय करना है। ठीक है, नेट स्पीड अब यहाँ से लेंगे, नेट स्पीड कितना हो जाएगा, तो चूँकि दोनों अपोजिट में चल रहा है तो एक का 20 है दूसरे का 25 है, यानी 20 + 25 कर देंगे, तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना समय लगेगा यहाँ से निकालना होगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, यानी कि 90/45 कर दिए, 45 × 90 यानी कि 2 घंटा समय लगेगा, है ना, 2 घंटा कुल समय लगने वाला है ये 90 किलोमीटर तय करने में, यानी कि एक दूसरे को 2 घंटे में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, हम लोग समय 8 बजे से देख रहे हैं, भले ही 7 बजे से एक स्टार्ट हुआ है लेकिन इनको भी 7 से 8 बजे तक पहुँचा दिए हैं। ठीक है, 8 के बाद 2 घंटा समय लगने वाला है, यानी कि 8 में से अगर 2 घंटा जोड़ देंगे तो 10
10 AM में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। 10 AM कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, दो क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहा है, तो वन ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली 8:04 AM, 4 AM में स्टार्ट होता है और ये गाजियाबाद पहुंचता है 10 बजे, ठीक है। चलिए दिल्ली है इधर, इधर गाजियाबाद है, ये 4 AM में स्टार्ट होता है और कितना बजे पहुंचता है ये, तो 10 AM में पहुंच रहा है, ठीक है। दूसरा गाजियाबाद से चलता है और इनको दिल्ली आना है, गाजियाबाद से कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, वाइल सेकेंड ट्रेन फ्रॉम गाजियाबाद रीच दिल्ली 8 AM, यानी कि यहाँ पे समय नहीं दे रखा है, तो सेकेंड ट्रेन का स्टार्टिंग जो है वो 4 AM ही है, ठीक है। और ये पहुँचता कितना है, तो ये 8 बजे ही पहुँच जाता है 8 AM में, यानी कि जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहा है ये फास्ट है और ये वाला स्लो है, तभी तो ये 4 से 10, 6 घंटा ले रहा है और ये 4 बजे स्टार्ट करता है तो 8 बजे ही पहुँच जाता है, यानी 4 घंटा इस समय ले रहा है, ठीक है। दोनों का अगर यहाँ पे देखें तो पहला वाला कितना समय लिया, यहाँ पे 6 आवर समय ले रहा है और ये वाला कितना ले रहा है, तो 4 आवर ही समय ले रहा है, ठीक है। एक कितना समय लिया, 6 आवर समय लिया, दूसरा कितना समय लिया, तो 4 घंटा समय लिया। कुछ यहाँ पे दूरी वगैरह नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि दिल्ली टू गाजियाबाद का डिस्टेंस कितना है, तो ये 12 किलोमीटर है, जो भी एलसीएम लेके आया ये 12 किलोमीटर वही दूरी हो गया। अब यहाँ पे दोनों का देख लेंगे कि एक घंटे में कितना दूरी तय करता है, वही उनका चाल हो जाएगा। कुल 12 किलोमीटर तय कर रहा है कितने घंटे में, 4 घंटे में, यानी कि 12 को 4 से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस 12 हो गया और टाइम 4 हो गया, यानी कि यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर इनका स्पीड हो गया, इनका स्पीड कितना हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरे के लिए 12 है कुल डिस्टेंस कवर करना और ये 6 घंटे में ही कवर कर देता है, यानी कि 12 को 6 से डिवाइड करो तो इनका कितना हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन वगैरह हम लोग सोल्व करे हुए हैं, ठीक है। पाइप सिस्टर्न वगैरह बनाए थे, वहाँ पे भी इस प्रकार का यूज़ करे थे। और अगर आपको याद हो तो जहाँ पे काम करने वाला टाइम एंड वर्क चैप्टर अगर याद हो तो वहाँ भी इस प्रकार का बनाए हुए थे, ठीक है। चलिए एक का कितना आ गया स्पीड, तो 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, दूसरा का कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये किनका है, तो जब जो ए से बी की तरफ चलता है, ए से बी नहीं, दिल्ली टू गाजियाबाद है ना, डी से जी की तरफ चलता है, और ये किसका है, तो जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ चलता है। चलिए यहाँ पे तो स्पीड निकाल लिए, क्या दे रखा है, एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, कितने समय में ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा। देखो कुल कितना दूरी तय करना है, तो कुल 12 किलोमीटर तय करना है, ठीक है, 12 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, स्टार्टिंग होने का समय दोनों का सेम ही है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, नेट स्पीड निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक का 2 है दूसरे का 3 है, यानी 3 × 2 = 5 किलोमीटर पर आवर हो गया नेट स्पीड, तो 12 × 5 कर देंगे, तो यही आपका समय हो गया, तो समय यहाँ से कितना आ गया, 12/5 आवर आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो इनको मिक्स में लेके जाएंगे, तो 5 × 10 = 2/5 आवर, यानी कि 2 घंटा और 2/5 इनको चेंज करते हैं, मिनट में लेके जाते हैं, तभी एक्चुअल में पता चलेगा, ठीक है। चलिए 2 घंटा कर देते हैं प्लस 2/5 आवर है, इनको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 12 से ये कट जाएगा, यानी 2 घंटा + 12 = 24 मिनट हो जाएगा, यानी कि कुल समय जो लगने वाला है, 4 बजे स्टार्ट हुआ है दोनों ना, दोनों कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 4 बजे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 घंटा 4 × 2 = 6 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया प्लस 24 मिनट, 6 घंटा 24 मिनट कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है, यानी कि 6:24 में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 और ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रह गया होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तो वन ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली 8 बजे स्टार्ट होता है गाजियाबाद, गाजियाबाद पहुँचता है 10 बजे, ठीक है, दिल्ली से गाजियाबाद,
ये कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 8 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे पहुंच जाता है, यानी कि इनको 2 घंटा का समय लग रहा है। ठीक है, दूसरा गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ चल रहा है, ये कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी उतने बजे 8 बजे ही स्टार्ट होता है, और ये कितने बजे पहुँचता है, 11 बजे, यानी कि इनको 3 घंटा का समय लग गया। ठीक है, एक को 2 घंटा लगा, दूसरे को कितना लगा, 3 घंटा लगा। क्या बताया कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी कि दिल्ली और गाज़ियाबाद के बीच का दूरी निकल गया 6 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुल दूरी 6 किलोमीटर है, समय कितना लग रहा है, एक को 2 घंटा लग रहा है, तो 6/2 कर देंगे, 2/3, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये आपका एक का स्पीड निकल गया 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरे का क्या करेंगे, 6/3 कर देंगे, तो 3 × 2 = 6, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए, कुल दूरी कितना समय करना है, अब यहाँ पे टाइम बताना है, कुल देखते हैं समय कितना लगता है एक दूसरे को क्रॉस होने में, कुल दूरी 6 किलोमीटर तय करना है, नेट स्पीड कितना हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो 3 + 2 कर देंगे, तो 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 6/5 हो गया आपका, ये आपका आवर में आ गया, क्योंकि सारे यूनिट वगैरह आवर में ही लिए हुए हैं, किलोमीटर में ही लिए हुए हैं, है ना, अगर मीटर में रहता तो फिर सेकंड में रहता है। चलिए ठीक है, थोड़ा इनको तोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 आवर हो गया। थोड़ा और तोड़ते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, तो 1 + 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 आवर में है, इनको मिनट में ले जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी 1 + 12 मिनट आ गया। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। कितना बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, 8 + 1 कर देंगे तो 9, और + 12 मिनट, यानी कि 9 बज के 12 मिनट में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। कहीं मिस्टेक नहीं है, एक कोई ऑप्शन सही कर लो यार, 9 बज के 12 मिनट। अच्छा, यहाँ पे दोनों देखो सेम ही हो गया है, ठीक है, 9 बज के 12 मिनट। चलिए, यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को 9 बज के 12 बना देना है, और वही ऑप्शन को सही कर देना है। हम यहाँ पे ऑप्शन सी को बना दिए हैं, 9 बज के 12 AM, और इनके हिसाब से ऑप्शन सी हो गया, आप चाहे तो ऑप्शन डी को भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे आज इस वीडियो में 10-11 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह बच गया इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए फिर, थैंक यू। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चंस को अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए फिर, थैंक यू।